देख रहे हैं टेक कवर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बेल आइकन को दबा के जाइएगा ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M01 एंड M11 जो कि कल ही लॉन्च हुए थे June 2nd को। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M01। ये एक ही वेरिएंट में है, 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज और इसकी प्राइस लगभग 9000 रुपये है। और सबसे पहले बात करते हैं कलर की। कलर इसमें तीन है, ब्लैक, ब्लू एंड रेड कलर। ड्यूल नैनो सिम है। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसमें है 5.7 इंचेस की HD+TFT इन्फिनिटी डिस्प्ले। 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो है स्क्रीन का और स्क्रीन दिखने में तो ठीक ही दिख रही है इस प्राइस रेंज में। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टा कोर प्रोसेसर विद कॉर्टेक्स A53। जीपीयू इसमें लगा हुआ है एंड्रीनो 505 बेस्ड 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज में ठीक लग रही है। कैमरा की बात करें तो प्राइमरी ड्यूल कैमरा है, प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का विद F2.2 अपर्चर के साथ और सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का विद F2.4 अपर्चर। 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है विद F2.2 अपर्चर। फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, जी हाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है तो ये एक बड़ा ही डिमेरिट है इसका। 9000 रुपये में फिंगरप्रिंट तो आपको देना ही चाहिए। बैटरी की बात करें तो बैटरी है 4000mAh की बैटरी, ठीक है। और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है विद USB Type-C पोर्ट। वेट की बात करें तो 168 ग्राम वेट है जो कि मुझे तो ठीक ही लगा, वेट ज़्यादा हैवी नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी M01 के लिए इतना ही। अब चलते हैं सैमसंग गैलेक्सी M11 पे। बात करें तो दो वेरिएंट में है, 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज। उसकी प्राइस है लगभग 11000 रुपये और 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस है लगभग 13000 रुपये। कलर्स की बात करें तो तीन कलर है, ब्लैक, मेटालिक ब्लू एंड वॉलेट। ड्यूल नैनो सिम है और डेडिकेटेड सिम स्लॉट है। M01 में भी डेडिकेटेड है और M11 में भी डेडिकेटेड सिम स्लॉट है, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस की HD+Infinity O डिस्प्ले है विद 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 जो कि है ऑक्टा कोर प्रोसेसर विद कॉर्टेक्स A53 के साथ में और बेस्ड है 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि इस प्राइस रेंज में आपने स्नैपड्रैगन 450 लगाया है। कैमरा की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा है, प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का विद F1.8 अपर्चर के साथ। सेकेंडरी कैमरा है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए और तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस के लिए विद F2.4 अपर्चर के साथ। फ्रंट कैमरे की बात करें तो सेल्फी के लिए आपके लिए लगा हुआ है 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि बेस्ड है F2 अपर्चर के साथ। बैटरी की बात करें तो बैटरी है 5000mAh की बैटरी है विद 15W फास्ट चार्जिंग के साथ और USB-C Type मिलेगा आपको। वेट की बात करें तो वेट है इसका 198 ग्राम, थोड़ा हैवी वेट लगा है मेरे को अगर दूसरे फ़ोन से कंपेयर करें तो। तो इन दोनों फ़ोन के लिए इतना ही बात करता हूँ कि क्या इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन अफोर्डेबल है या रिकमेंड करना चाहिए या नहीं। तो M01 की बात करूँ, M01 की प्राइस मेरे को लगभग ठीक ही लगी है 9000 रुपये, थोड़ा 500 रुपये कम कर सकता था सैमसंग क्योंकि एक तो फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया है, कैमरा थोड़ा बेटर हो सकता था। M11 की बात करूं तो M11 की प्राइस मेरे को ओवर लगी है दोनों वेरिएंट में, 3GB रैम में भी और 4GB रैम वाले में भी, क्योंकि 3GB रैम की प्राइस लगभग 11000 रुपये जो भी 1000 रुपये ज़्यादा लग रही है और 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले की भी मेरे को 1000 रुपये ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 ज़्यादा नया प्रोसेसर भी नहीं है और 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी भी बेस है तो प्रोसेसर में थोड़ा काम सही नहीं किया है सैमसंग ने। बाकी थोड़ा कैमरा भी इम्प्रूव हो सकता था दोनों में ही, M11 में भी कैमरा इम्प्रूव हो सकता है अगर
अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुए थे रियलमी के फोन्स अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो कैमरा थोड़ा खास नहीं है सैमसंग का, तो सैमसंग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। तो ये थे मेरी रिकमेंडेशन, आपके ऊपर है आपको ये फ़ोन लेना है या नहीं लेना है। दोनों पे अवेलेबल है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिलेगा, सेल चालू होगी जल्द ही। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके जुड़ जाया करें और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।